हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई 2019 को इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में आए हुए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट इशूज फ्रॉम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज रिगार्डिंग न्यू एंटी टेरर लॉ। दिस केम ऑन पेज 1 ऑफ द हिंदू दिल्ली एडिशन। This is important from GS Paper 3, Internal Security, Role of Non-State Actors in Challenging Internal Security of India. Let us see the background. So recently, Lok Sabha has passed a bill amending Unlawful Activities of Prevention Act 1967, UAPA Act 1967. It is part of policy of the government, Zero Tolerance Towards Terrorism. Let us see the provision that has been brought as a result of amendment to this UAPA Act. So now, according to the new amended provision, it will enable the government to designate individuals also as a terrorist. Earlier, according to the original content of the Act, under this Act, only an organization could be declared as terrorist organization. For example, Lashkar-e-Toyba, इंडियन मुजाहिदीन। तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस लॉ के अकॉर्डिंगली पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिक्लेयर किया जा सकता था, इंडिविजुअल्स को नहीं। लेकिन इस नए अमेंडमेंट के हिसाब से अब किसी एक इंडिविजुअल को भी एक टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि ट्रैवल बैन वगैरह लगाए जा सकते हैं, अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, हो सकता है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट भी कर लिया जाए। सो नाउ द क्वेश्चन इज वाई सच प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। सो वर्ल्ड ओवर देयर इज राइज इन लोन वुल्फ अटैक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था ईस्टर के मौके पे श्रीलंका में लोन वुल्फ अटैक हुआ, उसके कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। सो लोन वुल्फ अटैक्स हैव बीन ऑन राइज। व्हाट आर दिस लोन वुल्फ अटैक्स? सो लोन वुल्फ्स आर दोज terrorists who have no connection to any terrorist groups. It's difficult to even ascertain their motives. So aise attacks aajkal badh rahe hain. To is tarah ke kisi attack ko India mein avoid karne ke liye pehle hi individuals ko target kiya jayega, those who are inclined towards such terrorist activities, so that in future they may not lead to any lone wolf attack in India. Dusra jo important karan hai ye provision lane ka, it was embarrassing situation for India and UNSC when India brought a designation, a resolution number 1267 in United Nations Security Council. The purpose of this resolution number 1267 was to designate Azhar Masood as an international terrorist. Azhar Masood is a terrorist organization Lashkar-e-Toyba, जिसने इंडिया के अंदर 2016 में उरी अटैक करवाया था इन कश्मीर, पुलवामा अटैक के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा का ही हाथ है। सो इंडिया ने एक रिजोल्यूशन रखा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका नंबर है 1267, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया ने डिमांड की थी कि अजहर मसूद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से अजहर मसूद के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते और उसको ऑपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता। बट यूएनएससी में एक बेसिक सवाल पूछ लिया गया इंडिया से कि इफ़ दे वॉन्ट टू डेजिग्नेट अजहर मसूद एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट, वाई इंडिया इटसेल्फ हैज नॉट डिक्लेयर्ड अजहर मसूद एज अ टेररिस्ट इन इट्स ओन कंट्री। एक बेसिक सवाल उठ गया था। और इंडिया अजहर मसूद को टेररिस्ट इसलिए नहीं डिक्लेयर कर पाया था क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा लॉ ही नहीं था जिसमें हम लोग इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर पाए। सो इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ एम्बेरेसिंग सिचुएशन इन यूएनएससी। टू अवॉइड सच इशूज इन फ्यूचर हमने ये अमेंडमेंट प्रोविजन रखा है इन लोकसभा। अनदर रीजन माइट बी दैट टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज एन टेररिस्ट इज अ इंटरनेशनल प्रैक्टिस फॉलोड इन कंट्रीज लाइक US, UK, फ्रांस। चौथा कारण, कभी कभार कुछ टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट कर पाना मुश्किल हो जाता है इंडिया के अंदर वेन दे आर नॉट डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। सो दे मे नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर UAPA एक्ट। एक एग्जाम्पल है यसीन भटकल का। यसीन भटकल वॉज अ टेररिस्ट ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, लेकिन बहुत टाइम तक हमारी जो
सिक्योरिटी एजेंसीज हैं NIA, वो ये प्रूव ही नहीं कर पाई कि यसीन भटकल का डायरेक्ट कोई रिलेशन है इंडियन मुजाहिदीन से, और इस कारण से यसीन भटकल को बहुत टाइम तक UAPA एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा पा रहा था। सो टू अवॉइड सच सिचुएशंस, अगर यसीन भटकल को उस टाइम में अगर हमने इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया होता और इंडिविजुअल टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट करने का भी प्रोविजन अगर हमने UAPA एक्ट में रखा होता, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अननेसेसरीली इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, तो टू प्रूव दैट यसीन भटकल इज़ अ टेररिस्ट ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। हमने इंडियन मुजाहिदीन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था। एप्रीहेंशंस क्या है इस लॉ को लेकर के, इस नए अमेंडमेंट को लेकर के डर क्या है देखते हैं। तो अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्लेम कर रही हैं कि सरकार इस नए प्रोविजन का मिसयूज कर सकती है उन लोगों को हरास करने के लिए जो सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाएं। दोज हु विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट माइट बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। सो ऐसे डर को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया है सो दैट दिस न्यू प्रोविजन माइट नॉट बी मिसयूज्ड। देखते हैं ये गाइडलाइन है क्या, आखिर टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया कैसे जाएगा, उसके लिए ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। द प्रपोजल टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट विल कम फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। देन इट विल बी प्रॉपरली एग्जामिन्ड बाई होम मिनिस्ट्री एंड फाइनली इट विल बी अप्रूव्ड बाई होम मिनिस्टर। And when an individual is declared terrorist, even then he has an opportunity to file an appeal to Home Ministry. So this is the broad guideline so that the misuse of this provision does not happen in future. The next article is regarding state funding of election. This came on page 13 of The Hindu, Delhi edition. It is relevant to the syllabus from UPSC GS paper 2. ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। बैकग्राउंड देखते हैं इस पूरे आर्टिकल का। तो अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बिन पुट इन राज्यसभा दैट सीक्स टू अमेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। हम लोग बेसिक पॉलिटी क्लास में देखते हैं व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल। सो अ बिल दैट इज पुट बाई अ लेजिस्लेचर हु इज नॉट ए मिनिस्टर और नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सच बिल्स आर नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल। Let us see what is there in the bill itself. So the bill recommends for the state funding of election. State funding of election मतलब सरकार खुद पैसा दे elections के खर्चों को maintain करने के लिए, political parties अपना private investment ना कर पाए। So state funding means the government should give funds to the political parties to contest elections. Eligibility भी propose किया गया है कि किनको कौन से बेसिस पे कितना फंड मिलना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द बिल द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रिसेंट इलेक्शन शुड बी द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ फंड। जिसने जितना बेहतर परफॉर्म किया होगा, जिसके जितने वोट शेयर होंगे, उस बेसिस पे उसको फंड एलोकेट किया जाएगा। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है स्पेसिफिकली टू अवॉइड फ्लोटिंग ऑफ पार्टीज जस्ट फॉर द फंड इटसेल्फ। अदरवाइज पता चलेगा कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं सो दैट कि इलेक्शन के टाइम में उनको कुछ फंड मिल जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीरियस कैंडिडेट्स और सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज को ही फंडिंग मिले, इसके लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको फंडिंग देने का प्रपोजल भी दिया गया है। लेट अस सी वेदर सच रिकमेंडेशंस वी आर पुट इन द पास्ट एज वेल और नॉट। सो देर हैड बीन एन इंद्रजीत गुप्ता कमिटी इन 1998 for state funding of election and this committee recommended that there should be partial funding. Partial funding मतलब कुछ पैसा सरकार दे और कुछ private investment से आए। Another one was law commission report in 1999, it recommended of full funding. Third one is administrative reform commission in 2008, it also talked of partial funding. There have been some international examples like Germany, Canada have such provisions where the state itself funds the election for its political parties. In India, we have a provision of indirect funding. So let us see how in India government indirectly funds election and how it indirectly funds political parties. So the political parties have exemption from income tax. So in this way,
पॉलिटिकल पार्टीज आर इनडायरेक्टली फंडेड. लेट अस एनालाइज हाउ हेल्पफुल दिस न्यू प्रोविजन माइट बी. अगर ऐसा करते हैं, स्टेट फंडिंग करते हैं इलेक्शंस को, तो इससे फायदे क्या क्या होंगे. सो द फर्स्ट एडवांटेज माइट बी दैट इट विल लिमिट द यूज ऑफ ब्लैक मनी इन पॉलिटिक्स. अभी तक हमें पता है कि पॉलिटिक्स में, खासकर इलेक्शन के टाइम में, बहुत सारा ब्लैक मनी का यूज होता है. सो इट माइट बी अवॉइडेड. अकॉर्डिंग टू ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मोर देन 65% ऑफ द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कम इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी. सो अगर स्टेट फंडिंग होगी तो ऑफकोर्स ब्लैक मनी का फ्लो इलेक्शन के टाइम में कम हो जाएगा. इट विल लिमिट द यूज ऑफ मनी विथ वेस्टेड इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. वेस्टेड इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स कैसे होता है, उसके लिए कैसे मनी खर्च होता है. तो कोई भी बिजनेस हाउस या कोई भी कॉरपोरेट इलेक्शन से पहले बहुत सारा फंडिंग करता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, इस उम्मीद में कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और सरकार बना देती है तो प्रो कॉरपोरेट, खासकर उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट को हेल्प करने वाली पॉलिसीज लेकर के आएंगी. सो इन दिस वे अ लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो फ्लोटेड इन द टाइम ऑफ इलेक्शन विथ वेस्टेड इंटरेस्ट. थर्ड, स्टेट फंडिंग विल प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब खासकर क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में इंटर होना हैज़ बीन अ फिनोमिना इन इंडियन इलेक्शंस, इंडियन पॉलिटिक्स. द मेन रीजन बीइंग द हेवी एक्सपेंडिचर दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन इंडिया. और इतने सारे पैसे ज़्यादातर क्रिमिनल्स के पास होते हैं और इसीलिए क्रिमिनल्स, इंडियन पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है. सेकेंड, टू अवॉइड और प्रिवेंट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है इंडिया में, तो आपने सुना होगा कि ये सीट के लिए, इस टिकट के लिए इस पार्टी ने 1 करोड़ रुपए मांगे, 2 करोड़ रुपए मांगे. सो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सिंस द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू पूल फंड फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, उनको पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हर एक कैंडिडेट को टिकट देने से पहले वो कुछ उससे पैसे मांगते हैं. सो दैट मनी माइट बी यूज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. और इस तरह से हर सीट का अपना एक प्राइस हो गया है फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. सो दिस इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. बट इफ स्टेट इट सेल्फ फंड्स इलेक्शन, देन क्रिमिनलाइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स माइट बी स्टॉप्ड. एंड इन दिस वे एन ऑर्डिनरी ऑनेस्ट मैन मे ऑल्सो एंटर इन टू पॉलिटिक्स. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? Of course, it will put a lot of burden on government exchequer. Especially in the election year, the fiscal policies will suffer. पूरी की पूरी government budgeting election year में, खासकर लोकसभा के election वाले साल में, पूरी की पूरी government budgeting suffer कर जाएगी. दूसरा जो concern है कि if the allotment of fund is done on the basis of परफॉर्मेंस इन लास्ट इलेक्शन, तब तो हमेशा रूलिंग पार्टी को ही फायदा होगा. जैसे कि जो भी पार्टी अभी रूल कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसने लास्ट इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया होगा. और अगर उस बेसिस पे उस अगले इलेक्शन से पहले अगर फंड अलॉट किया जाने लगा, तो रूलिंग पार्टी को नेचुरली सबसे ज़्यादा फंड मिलेगा. और जब रूलिंग पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड मिलेगा, तो वो उसको नेचुरल एडवांटेज मिल जाएगा इन द नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो. सो दिस इज अनदर निगेटिव पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल. ओवरऑल अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हमें कैसे कंक्लूड करना चाहिए? वी शुड राइट दैट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, बट ओवरऑल देयर शुड बी अ प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अवॉइड एडवांटेज टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सैटेलाइट डेटा ऑन असम फ्लड. इट केम ऑन पेज 1 ऑफ इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन. रिलेवेंट फ्रॉम GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ. कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड देखते हैं. तो चाइना ने इंडिया के साथ, इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो के साथ सैटेलाइट डेटा शेयर किए हैं रिगार्डिंग असम फ्लड. तो हमें समझना चाहिए कि आखिर ये सैटेलाइट डेटा हमें चाइना से लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी. क्या इसरो की कोई ऐसी सैटेलाइट नहीं थी जो वो उस डेटा निकाल पाए? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वाई दिस डेटा वॉज नीडेड. सो
we have studied in our science and tech classes that there are basically two types of satellite: communication satellite, they are geostationary satellite and they remain over a particular point only. हमेशा वो एक ही पॉइंट के ऊपर, एक अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही रहते हैं. जैसे जैसे अर्थ घूमता है वो भी घूमते रहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इस तरह से वो एक पॉइंट के ऊपर रहते हैं. अनदर वन इज़ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स और नेविगेशन सैटेलाइट्स. वो कैसा है, दे आर मूविंग एट ए ग्रेटर स्पीड रिलेटिवली टू अर्थ. तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं रहते, वो अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स को कवर करते हैं. सो दे आर नोन एज नेविगेशन सैटेलाइट. सो they keep on moving at greater speed and they are known as remote sensing satellites or navigation satellites. They are geosynchronous or polar satellites. हम लोग science and tech class में देखते हैं ये. They remain at a particular point only for few seconds. Then they return at the same point after few hours or in some cases few days. India का जो कार्टोसैट 1 satellite है जो असम को cover करता है, इट क्रॉस्ड ओवर असम ऑन 18 जुलाई, और उसके बाद अब ये इट विल कम ओवर असम ऑन 2nd of August. तो कहीं ना कहीं अब इसके बीच का हमारे पास डेटा नहीं है. अगर हमें अब असम फ्लड का रिसेंट कंडीशन हमें चाहिए, सैटेलाइट डेटा चाहिए फॉर रिलीफ वर्क, तो वो हमारे पास है नहीं. दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्टेड चाइना टू शेयर सच सैटेलाइट डेटा एंड चाइना शेयर डेटा अकॉर्डिंगली. तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये रिक्वेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है. फॉर सैटेलाइट डेटा इज देयर एनी इंटरनेशनल चार्टर? सो यस, देयर इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नोन एज इंटरनेशनल चार्टर ऑफ स्पेस एंड मेजर डिजास्टर फॉर स्पेस डेटा. दिस इज एन इंटरनेशनल चार्टर वेयर 33 कंट्रीज आर मेंबर. इंडिया एंड चाइना बोथ आर मेंबर. दैट इज वाई व्हेन इंडिया रिक्वेस्टेड थ्रू इसरो, China shared some datas. So there are 33 members to the charter. India se National Remote Sensing Center, it is one organization under ISRO that represents India on this platform. Ye naam seedha seedha hamare prelims exam mein aa sakta hai, that which of the following organization represents India on International Charter of Space and Major Disaster. It is National Remote Sensing Center. The next article is regarding S-400 Triumph missile. It came on page 16 of Indian Express. It is relevant to the syllabus from UPSC GS paper 2, International Relations, Impact of Policies and Development of Developed and Developing Countries on India. Let us see the background. So recently US has denied giving F-35 fighter jets to Turkey. तो क्यों आखिर यूएस ने डिनाई किया? यूएस एंड टर्की हैव ट्रेडिशनली बीन गुड पार्टनर्स. टर्की हैज़ बीन नेटो अलाई ऑफ यूएस एज वेल. वो बात अलग है, हाल फिलहाल में इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेंड चल रहे हैं. बट द मेन रीजन वाज व्हाई यूएस डिनाइड F-35 फाइटर जेट्स टू टर्की वाज ड्यू टू प्रोक्योरमेंट ऑफ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाई टर्की. Let us see what is this S-400 Triumph missile defense system. It's a long range air defense missile system. Air defense missile system का मतलब क्या होता है कि हमने इसको install करके रखा है और अगर कोई दूसरा missile हमारे country के तरफ अगर आ रहा है तो this air defense missile system will destroy that missile in the air itself. This is known as air missile defense system. It is capable of firing 3 types of missiles. इट कैन क्रिएट ए लेयर्ड डिफेंस. पूरा एक लेयर में एक डिफेंस मिसाइल ये छोड़ सकता है. एंड साइमल्टेनियसली इट कैन इंगेज ऑन 36 टारगेट्स. सो दिस इज सम बेसिक डिटेल्स ऑफ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल. इट हैज बीन डेवलप्ड बाई रसिया. इट हैज कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ऑल इनकमिंग एयर बॉन्ड टारगेट्स एट द रेंज ऑफ अप टू 400 किलोमीटर. तो 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक पर यह स्ट्राइक कर सकता है. एंड हैविंग इट, इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तानी और चाइनीज एयरक्राफ्ट इवन वेन दे आर इन देयर एयर स्पेस. मतलब कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान से आने वाले मिसाइल्स को चाइना और पाकिस्तान के ही एयर स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकता है इफ वी आर हैविंग दिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम. Now let us see what is the issue. Why
डिनाइल टू टर्की इज सच अ सीरियस इशू इन इंडिया, आखिर यूएस ने टर्की को डिनाई किया है तो इससे इंडिया को क्या कंसर्न हो सकता है? लेट अस सी दिस। सो लेट अस कैच द बैकग्राउंड फर्स्ट। सो देयर हैज बीन अ काटसा लॉ प्रोस्क्राइब्ड बाय यूएस कांग्रेस इन 2017 itself, CATSA stands for Countering America's Adversaries Through Sanctions. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस CATSA लॉ, अमेरिका ने ट्रेड सैंक्शंस लगाए हैं तीन कंट्रीज, ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया पे। इस अकॉर्डिंग टू दिस CATSA लॉ, एनी कंट्री हु कंडक्ट्स ट्रेड विद दिस थ्री कंट्रीज, ईरान, साउथ कोरिया, ईरान, रसिया एंड नॉर्थ कोरिया, तो उन कंट्रीज पे भी यूएस ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा, उनके साथ भी कोई ट्रेड नहीं करेगा। और यही कारण है कि जब टर्की ने S-400 ट्राइम्फ मिसाइल रसिया से खरीदा तो यूएस ने टर्की के साथ कोई ट्रेड करने से मना कर दिया। यूएस ने डिनाई कर दिया कि अपना F-35 फाइटर जेट टर्की को नहीं देगा। साथ ही साथ यूएस ने थ्रेटन किया है कि वो टर्की के ऊपर और भी सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा। नाउ लेट अस सी व्हाई इट इज एन इशू इन इंडिया, आखिर हमें इंडिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक इशू क्यों है? बिकॉज इंडिया ऑल्सो हैज साइंड अ डील विथ रसिया रिगार्डिंग S-400 ट्राइम्फ डिफेंस सिस्टम, और हमारा S-400 ट्राइम्फ डिफेंस सिस्टम का पहला डिस्पैच फरवरी 2020 में आ सकता है। और अगर हम इस डील के साथ आगे गए एंड इफ वी प्रोक्योर, वैसे तो हमने डील ऑलरेडी साइन कर दिया है रसिया के साथ, लेकिन अगर हम इस डील को हमने फाइनली अप्लाई किया और S-400 ट्राइम्फ को प्रोक्योर कर लिया इंडिया के अंदर, देन इट माइट इनवाइट सैंक्शंस ऑन इंडिया टू। एंड सिंस इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर इट्स डिफेंस सप्लाई, इट माइट बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर इंडिया। सो इस बैकग्राउंड में हम लोग ये इंटायर डेवलपमेंट बिटवीन टर्की एंड यूएस को देख रहे हैं। दैट इज फॉर द डे। थैंक यू।